Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. टीम इंडिया को अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में कई सीनियर भारतीय खिलाड़ी टीम में नहीं हैं। ऐसे में यंग टीम इंडिया पर दारोमदार है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस दे। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में उन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने IPL 2022 में अच्छा प्रदर्शन दिया था। इसके साथ ही दिनेश कार्तिक भी टीम में वापसी कर रहे हैं जिन्होंने IPL 2022 में कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर 3 साल बाद T20 टीम में वापसी की। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने 9 जून को दिल्ली में होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की अपनी संभावित प्लेइंग 11 बनाई है जिसमें उन्होंने दिनेश कार्तिक को टीम में मौका नहीं दिया है। अब आइए देखते हैं कि आखिर रवि शास्त्री की टीम में वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो 9 जून को दिल्ली में होने वाले मुकाबले में खेलेंगे और आखिर उन्होंने दिनेश कार्तिक को टीम में जगह क्यों नहीं दी। IPL 2022 खत्म हो गया, अब टीम इंडिया तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के नए सफर के लिए। भारतीय टीम की पहली भिड़ंत होगी साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका भारत पहुंच गई है, यहां वो 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी जहां टीम इंडिया के सामने उन्हें हराने की बड़ी चुनौती होगी। ये सीरीज भारत के लिए कई मायनों में खास है क्योंकि इस सीरीज में जहां भारत के कई सीनियर खिलाड़ी आराम कर रहे हैं जिनके गैर मौजूदगी में यंग टीम इंडिया अपने आप को साबित करना चाहेगी। इस सीरीज में कई यंग खिलाड़ी भी खेल रहे हैं जिन्हें IPL 2022 के अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला। वहीं सीरीज में 3 साल बाद दिनेश कार्तिक की टीम इंडिया में वापसी हुई है जो IPL के प्रदर्शन के दम पर ही टीम इंडिया में फिर से एंट्री कर पाए हैं। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 9 जून को दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर हर कोई भारत के प्लेइंग 11 के कयास लगा रहा है। ऐसे में भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने अपनी प्लेइंग 11 बताई है जो दिल्ली में होने वाले मैच में टीम इंडिया के लिए खेल सकती है। रवि शास्त्री की इस प्लेइंग 11 में KL राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर के रूप में खेलते दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी टीम में ईशान किशन को नंबर 3 पर खेलने का चांस दे रहे हैं। रवि शास्त्री को लगता है कि टीम उन लोगों के साथ जाएगी जिन्हें वो पहले देखना चाहती है। राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ शायद पारी की शुरुआत करेंगे, ईशान किशन को शायद इस खेल में ब्रेक देंगे या फिर उन्हें 3 नंबर पर बल्लेबाजी कराएं। अगर आप ईशान किशन को 3 नंबर पर बल्लेबाजी कराते हैं तो श्रेयस अय्यर 4थे नंबर पर, ऋषभ पंत 5वें नंबर पर और हार्दिक पांड्या 6थे नंबर पर होंगे। तो ऐसी नज़र आ रही है पहले T20 के लिए रवि शास्त्री की संभावित प्लेइंग 11। KL राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अर्षदीप सिंह या फिर उमरान मलिक, हर्षल पटेल। रवि शास्त्री की इस प्लेइंग 11 से दिनेश कार्तिक बाहर हैं। साथ ही उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी मौका नहीं दिया। अय्यर का तो समझ में आता है कि वह अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, साथ ही अब हार्दिक पांड्या उनका विकल्प भी हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक जिस फिनिशर की भूमिका के साथ टीम इंडिया में आए हैं, अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलते तो उनको बेंच पर बिठाने का क्या मतलब। ब्यूरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक। तो आपको क्या लगता है, क्या रवि शास्त्री की यह संभावित प्लेइंग 11 ही 9 जून को पहले T20 मैच में खेलती नजर आएगी या फिर आपको लगता है कि दिनेश कार्तिक को टीम में मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही स्पोर्ट्स तक के ऐप को भी आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।